हाउ आर एंड यू हाउ आर एट यू प्रेजेंट यू सिचुएशन। विल से कथम अस कथम असी। असी तो आई विल राइट ऑन द स्क्रीन, लेट मी सी। अच्छी कमलम तमसी तमसी। हाँ ओके Do you see my screen? नो 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 नॉट नो नो को क्या ना महोदय। अस्तु महोदय। आम आम महोदय। Okay. So, how have you been? कथम कथम अस्ति आसीत। दिस हो इज इन द पास्ट। आसीत मीन्स इन द पास्ट। तो हाउ वर हाँ यू, हाउ आर यू। ओके ओके सेम वे एज यू सेइंग हैव यू बीन। तो बीन इज इन द पास्ट, राइट? यस been yeah How past are how you? you're how are you or how you have been So even for how are you, you can say katham asit, but better is to say katham asi. Are katham asi katham asi। हाँ महोदय। Okay, and for this reason only I told you to get this and the shabdkosh, because this is just 5 rupees. But if you are in Bangalore, you can just go to their office and get it. But if you ask it by post, the postal cost itself will be like 20-30 rupees for the post. Okay. So then better to order something bigger, and you have to get these shabdkosh also, the English Hindi and sorry English Sanskrit and Hindi Sanskrit. Those this will be 75 rupees, and with that you can add 2-3 of this Sanskritam Vadatu. So that way you can gift to somebody else also, save one for yourself and others you can give to others. मैंने लोकली ट्राई किया था, मिलेगा कि नहीं मिला नहीं, ये शॉप्स में इधर। नहीं मिलता, ये संस्कृत भारती के हाँ, वेबसाइट से मिलेगा। तो वेबसाइट से मिलता। ओके ओके हाँ, तो संस्कृत भारती के वेबसाइट से ऑर्डर करना होगा आपको, महोदय, एंड लिंक वो शेयर कर दीजिए। 2-3 दिन में आ जाता है। हाँ, मैं एक सेकेंड ओके आपको दिखाता हूँ। ये देखो, संस्कृत भारती, दिस वन, ये आपको मैसेज आएगा। Where is it? ये देखो, चैट में भेजा है मैंने। ओके संस्कृत भारती बुक स्टोर कॉपी मैसेज स्क्रीनशॉट इट हेट महोदय। एंड इफ यू, इसको आपके हाँ पास महोदय। कंप्यूटर भी है, लैपटॉप या कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर? हाँ था, थोड़ा रिपेयर हो गया महोदय लैपटॉप। ओके, बिकॉज दिस बुक स्टोर हैज और मोर देन 200-300 बुक्स, सो व्हेन यू सी इट यू विल सी लॉट मोर ऑल्सो। सो देन ओके इफ इट वॉज कंप्यूटर, देन इट इज इजियर टू
look because of big screen you can quickly search and all. But ठीक है, if you are doing from mobile also, you just find the book and order. मेरा वो फोन पे का थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए मैं यूज नहीं कर रहा इसलिए. फोन पे व्हाट्स दैट मींस? सम पेमेंट गेटवे यू आर सेइंग? या या पेमेंट गेटवे, दैट्स व्हाई आई एम नॉट ऑर्डरिंग. दैट्स व्हाई आई ट्राइड इन लोकल स्टोर्स आल्सो, बट आई डिडंट गेट इट. ओके, आई डोंट यूज फोन पे, बट आई यूज माय बैंक्स यूपीआई डायरेक्टली. सो ओके ठीक है, तो वी विल गो टू द फर्स्ट पेज वंस मोर. आज चारुलता जी ने फोन किया था, वो ज्वाइन करने वाली थी, अब मुझे नहीं पता बिकॉज टाइम पे जो आएगा उसको हम स्टार्ट कर देंगे. वी डोंट नीड टू वेट फॉर एनीबॉडी, पर if she comes to we'll see. Abhi already 15 minutes to ho gaye starting se. Char baje sharp class start ho jati hai, to then whenever comes maybe 3 minute late ho gaya. Wo mere main message ke liye wait karta tha, wo app close kar diya tha, message nahi aaya. Okay okay, acha aam astu astu. चलो तो सबसे पहले हम ओम का उच्चारण करेंगे. जस्ट टू एनर्जाइज अवरसेल्व्स, मेक यूज ऑफ द एनर्जी. तो आंखें बंद कर लीजिए. ठीक है, अभी आंखें खोल सकते हैं. और सबसे महत्वपूर्ण बात अभी भी यही है कि जब भी हम अ उ और म तीनों एक साथ ओम में बोलते हैं तो हमको हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा है वो किस तरह से ऊपर उठ रही है या कहाँ कहाँ से होते हुए जा रही है उसको अनुभव करना है, उसको ध्यान देना है. क्योंकि वो हमेशा जाती है, चाहे आप ध्यान दें चाहे नहीं, वो जाएगी ही. ध्यान देंगे तो ज्यादा अच्छे से उसका लाभ मिलेगा हमको. ठीक है, तो आप अभी बोल रहे थे तब आप ध्यान दे पा रहे थे उसके ऊपर, और नहीं तो एक बार हम फिर से करेंगे. महोदय आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है. अच्छा, आवाज ब्रेक हो रही है, एक मिनट रुकिए. हां बारे में ओके. हाँ इधर तो ठीक दिख रहा है, आवाज आनी चाहिए अच्छे से. ओके रुको, एक बार चारुलता जी को फोन कर ही लेते हैं सामने सामने, क्योंकि अस्तु है.
डायरेक्ट कॉल तो जा ही नहीं रही अभी, व्हाट्सएप पर ट्राई करते हैं। चलो हम आगे बढ़ते हैं, एक बार ओम का उच्चारण फिर से करेंगे। इस बार वो चीज ध्यान दीजिए और धीरे धीरे यदि आपको इसकी अभ्यास नहीं है हमेशा ध्यान देने का, तो धीरे धीरे जब भी हम अपनी कक्षा में करते हैं हम करते रहेंगे, आपको अभ्यास हो जाएगा। तो एक आखिरी बार, एक बार ही बोलते हैं, सिर्फ एक औम, और इस बार वो ध्यान देना है कि अ उ और म तीनों में कहां कहां से ऊर्जा जो है स्वर कहां से आता है। हां महोदय, आंखें बंद करते हैं। सिर्फ आम नहीं कहना, आपको भी करके देखना है। मारे बेबी के ओके क्या हुआ? नहीं नहीं किया मैंने, आपका आपसे साथ ही किया था। अच्छा हाँ, नहीं वो तो किया, एक आध बार कर लेता हूँ कुछ। वो ध्यान दिया कि नहीं मैं वो पूछ रहा हूँ, वो अपने ऊपर ही है। हाँ दिया दिया महोदय, ठीक है। उत्तमम। तो मम नाम अंशु, भवतः नाम किम्? मम नाम अरुणः। अब आपको प्रश्न भी तो पूछना है। ओ हम भी पूछना है, ठीक है। भवतः नाम, भवतः कः अस्ति? अहम अंशु, मम नाम अंशु, अहम संस्कृतं पठामि, भवान किं पठति? अहम संस्कृत पठामि। संस्कृतं पठामि, संस्कृतं पठामि। अभी आपका प्रश्न, और मैंने यहाँ रखा है खोल के स्क्रीन पे भी, तो आप जो भी देखना चाहें देख सकते हैं उस उधर से। ओके ओके, भवान
किम वदामि, ठीक है, तो अब ठीक है किम भगवान यदि आप पूछ रहे हैं तो किम वदति, क्योंकि वदामी वदति, तो मैं खुद क्या बोल रहा हूं ऐसे पूछ रहा हूं ना। क्षमस्व क्षमस्व, भवान किम वदाति वदति, वदति हाँ, वदति, ओके संस्कृत में यह आवश्यक है कि जो भी अक्षर हमको दिख रहा है जैसे पठसी वदसी, तो उसको बिल्कुल साफ शुद्ध उच्चारण करना है। तो वदसी को वदासी हम नहीं कह सकते, सारे। लेकिन एक चीज आप ध्यान दे सकते हैं कि जब वदामी कहते हैं, जब मैं खुद बोल रहा हूं या लिखामी पठामी, तो उनमें आ की मात्रा लगती ओके है ना, उसमें आ लगता है, वदा लिखा पठा, है ना, क्योंकि आमी के साथ लग रहा है वो। लेकिन बाकी सभी में, मतलब यदि आप किसी और से जब बात कर रहे हैं या सामने वाले से बात कर रहे हैं, तो भगवान किम वद वदति, ठीक है, तब आ की मात्रा वदति नहीं लगती। आ की मात्रा वदति हाँ वदसी आता है त्वम के साथ, तो यदि आप पूछ रहे होते त्वम किम वदसी, तो त्वम का ओके मतलब है तुम या तू, तो वो थोड़ा कम सम्मान के साथ होता है ना। तू और तुम हम किसको कहते हैं, हाँ हाँ अपने मित्रों को या हमारा अपने, मित्रों को कहते हैं रेस्पेक्ट हाँ, और हर कोई हम उसके, देने के लिए भगवान। हाँ, और जब भी हम भवान या भवती उपयोग करेंगे, भवती लड़कियों के लिए और भवान लड़कों के लिए, तो साथ ओके में वदती लिखती पठती ये वाले क्रियाएं आएंगी, जबकि वो थोड़ा अलग है, क्योंकि ये वदती पठती लिखती ऐसी वाली क्रियाएं जो हैं प्रथम पुरुष में आती हैं। प्रथम पुरुष मतलब जब हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ जैसे, के बारे में हाँ, जैसे हम बोल रहे हैं कि रामः पठति, तो राम पढ़ता है, पति मतलब वो कहीं और पढ़ता है है और वो पढ़ रहा है। लेकिन जब मैं आपसे सीधे बात कर रहा हूँ, तब मैं आपसे यदि भगवान कह के बात कर रहा हूँ, तब भी मुझे वो प्रथम पुरुष वाली क्रियाएं उपयोग करनी पड़ेंगी। तो भगवान किम पठति ऐसे बोलूंगा मैं। ओके। संस्कृत में कितने पुरुष हैं, मतलब उत्तम पुरुष, प्रथम हाँ पुरुष बस, और मध्यम, हाँ वही है ना हाँ भाई। हाँ हमने लिखा भी था एक बार, ओके एक मिनट दिखाता हूँ मैं आपको, एक पूरा तालिका बनाई थी और तालिका में लिखा था। हाँ ये है, ओह गॉड, ठीक है। अच्छा तो प्रथम अच्छा पुरुष का अर्थ है कोई भी प्रथम पुरुष का दूसरा, अर्थ, हाँ दूसरा, दोनों को छोड़ के तीसरा वाला, वो किसी के बारे में पूछ थर्ड रहे हो आप, पर्सन इंग्लिश में जिसको थर्ड थर्ड पर्सन, पर्सन कहते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं। वो प्रथम पुरुष है। उत्तम पुरुष इज आई, The one who is speaking, मैं, I, okay, ठीक है, और मध्यम पुरुष जो है वो तुम या आप, सामने वाला जो भी है, यू। मैं, अस्त महोदय, तो मध्यम पुरुष के अस्त उपयोग में सिर्फ एक अंतर है कि जब भी हम भवान या भवती करते हैं उपयोग, तब वो हाँ उसमें क्रिया जो है वो प्रथम पुरुष की तरह आती है। भवान का पठती, पठती हाँ वो, ये जो है पठती यहाँ पे दिख रहा है, रामः हाँ पठती बालिका नृत्यति, तो ये दोनों प्रथम पुरुष ओके हैं। उत्तम पुरुष में ये यही पठामी वदामी रक्षामी ऐसे सब हो जाता है। महोदय, ठीक है, और मध्यम पुरुष में वदसी पठसी ऐसे हो जाता है जब भी हम त्वम का ओके उपयोग कर रहे हैं।
लेकिन हम त्वम का उपयोग कम करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम सम्मान के साथ अधिकतर के साथ। बात करते हैं, भवान और ओके भवती, तो इसलिए भवान भवती के साथ ये ती वाला ही लगेगा, पठति वदति नृत्यति रक्षति वदति। हेलो, पठती पठसी पठती तो वैसे पठसी। ये वाला श्लोक आपने देखा था पिछली बार? तम निंजम परोवेति नहीं देखा था तो अभी गणना। हम करेंगे। इसको आप लिख लीजिए, आपके हाथ अभी पेन पेपर रखे हुए हैं। हाँ लिख रहा हूँ, हाँ लिख रहा हूँ। तो मैं पहले समझा भी देता हूं और फिर आप लिख लीजिए। अयम निजम मतलब ये मेरा है, और परोवेति कोई और चीज, किसी और की है। परो मतलब किसी और का, आपने सुना होगा ना, हाँ हाँ परोपकार, परोपकार हाँ दूसरे का उपकार। तो अयम निजम परोवेति, ये मेरा है और ये किसी और का है। ऐसी गणना लघु चेतसाम, गणना लघु चेतसाम, तो ऐसी गणना छोटी बुद्धि वाले लोग करते हैं ओके ओके, कि ये मेरा है, ये ये तुम्हारा है। मैं मेरा है तुम्हारा है, छोटी बुद्धि वाला करते हैं। हाँ, ओके तो उदार छोटी चरिता वाला। नाम तु, मतलब बड़े हृदय वाले लोगों के लिए तो वसुधैव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम, इसका मीनिंग पता है सिर्फ पूरी पृथ्वी जो है हमारा वही परिवार है। तो परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम इस श्लोक, इसी श्लोक में से निकल के आया है। तो यदि आपको कभी किसी को बताना है कि ये वसुधैव कुटुंबकम कौन से श्लोक का पार्ट है, तो यही है, इसको आप अच्छे से ध्यान याद कर सकते हैं। ना तो चलिए, तो अब महादेव आप लिख लीजिए। नमः जी। और वो भगवत गीता का क्लासेस भी स्टार्ट हो गया महादेव। अच्छा, आपका शुरू हो गया, चलो अच्छा है। हाँ शुरू हो गया, इतना नियरली 10 श्लोकस और 10 श्लोकस खत्म हुए। अच्छा और 12th चैप्टर का द्वादश अध्याय। बढ़िया बढ़िया। द्वादश अध्याय, द्वादश अध्याय। तो द्वादश हाँ अध्याय सीधे डायरेक्ट वही पढ़ रहे हैं क्या अभी पहले बार में, या वो पहले से हाँ चल रहा है? वो पहली क्लास 1 लेवल 1 में 12th चैप्टर एंड आई थिंक 13th चैप्टर में भी, 13th और 15th 2 चैप्टर्स दे गोना टीच। तो शायद वो 12वां अध्याय जो है, द्वादश अध्याय, वो काफी महत्वपूर्ण अध्याय है, इसलिए वो पढ़ा रहे हैं पहले। हाँ और उसका मीनिंग भी आज है, आज क्लास में बोलते हैं जूम में, अच्छा। उस 10 श्लोकस का मीनिंग बता देते हैं। तो साथ में आप कोई गीता रखे हुए हैं या फिर वो सब उसमें ही करवाते हैं क्लास में? वो पीडीएफ वो सभी बेच लेते हैं, मतलब अच्छा। ग्रुप में डाल लेते हैं पीडीएफ्स, उसका प्रिंट आउट लाके रखते हैं। ओके। लिख लिया महादेव। अच्छा, तो आज दो लोगों ने, जिन्होंने कहा था कि आज आने वाले हैं, आज वो हाँ अंत अभी भी नहीं आए हैं। एक तो चारुलता जी और दूसरे पवित्रा जी, नया ज्वाइन किया है उन्होंने। हाँ और वो कृष्णा जी भी थे बढ़िया। हाँ, कृष्णा जी ने ज्वाइन तो किया, मतलब वो पहले भी थे, उनने बीच में, उनको टाइम नहीं मिल रहा था तो वो छोड़ दिया था। फिर मैंने उनसे बात की कि छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, जब भी आपको समय मिलता है तब आप उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, तो कम से कम वो लिंक ग्रुप में आ जाती है, तो आप आराम से ढूंढ सकते हैं ना। तो फिर इसलिए उनको फिर से ज्वाइन करा दिया। हाँ मोहन।
वो कृष्ण जी जो हैं वो हमारे किसी और ग्रुप में भी हैं, वो डिस्कशन भारत माता डिस्कशन वाले ग्रुप में भी हैं वो। ये भारत माता डिस्कशन ग्रुप ये टेलीग्राम का है मतलब महोदय? हाँ दोनों जगह है, टेलीग्राम में भी है और अभी तो व्हाट्सएप में भी है। टेलीग्राम में एक्शन अरे ग्रुप है, भारत माता का एक्शन ग्रुप। उसका लिंक हमको ज्वाइन कर दीजिए महोदय। हाँ ठीक है, मैं भेज दूंगा। ओके महोदय। और स्ट्रिंग के कई सारे मेंबर्स उधर भी हैं और हाँ तो है कुछ लोग हैं वो मैंने पूछा एक्शंस के लिए उससे है, और मतलब लिंक भेजे अच्छा थे। ओके ओके वो ग्रुप एक्शन के कोई लिए है। हमारा जैसे रिलेटेड एक्शन हाँ जैसे कोई चीज आपको पूरा पिटीशन ग्रुप फाइल करना। मिलके ट्वीट करना है, कोई चीज फेमस करना है, कोई चीज कोई ओके कुछ गड़बड़ है तो वो उसको पेज को रिपोर्ट करना है, तो वैसा सब रिपोर्ट करना एक्शन है। हाँ के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं सबको कि चलो ये डाला है अभी आप एक्शन लीजिए। लीजिए। तो जो भी जाएगा ग्रुप हाँ में जस्ट वो एक्शन लेगा जो वहाँ लिखा हुआ है एंड दैट्स इट। तो उससे एक्शन की जो पावर है वो बढ़ जाती है, महोदय। क्योंकि वही यदि एक और ग्रुप में एक वीडियो डाल लेते हैं। कल कोई मेंबर डाला था उसमें वही हमारा भगवद गीता का श्लोक का मंत्र सबको एक क्रिश्चियंस मिशनरीज क्या करते थे मिक्स कर देते अच्छा और तभी रागा सभी मिक्स करके ऐसा बना के मतलब डाइल्यूट कर रहे थे हमारा भगवद गीता हिंदुइज्म। ओके हाँ हाँ उस वीडियो डाला था मुझे तो बहुत बुरा लगा महोदय क्या करना। हाँ बुरा तो लगता ही है, तो इन चीज़ों को इसलिए तो हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यदि गीता सीखेंगे, श्लोक सीखेंगे, संस्कृत सीखेंगे, तो फिर ऐसा कहीं भी आपके आजू बाजू कभी कहीं होता है तो आप इमिडिएटली उसको करेक्ट कर सकते हैं कि भैया तुम उल्टी सीधी बातें करो मत, तुमको आता नहीं है तो चुप रहो, ऐसे करके हम चुप फिर बात कर सकते हैं इमिडिएटली किसी से भी। अपने देश में अपन को क्या डरना है, किसी से डरने की जरूरत नहीं। रहो। पर ये पॉलिटिक पार्टीज जैसी ज्यादा वोट बैंक पॉलिटिक्स करते रहते हैं ऐसा करके। हाँ वो उनको करने दो, हमको उससे कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो है हमारे पास हमारी शक्ति है, हाँ हम अभी अपना टाइम है हमारे यहाँ हाँ अभी अच्छा समय है, रियासत। तो हम जितना ज्ञान अर्जित कर सकें करते जाएं और उसको और लोगों को पहुंचाते जाएं, वही ये सबसे लोग क्या कर लेते एक बार जरूरी है। बता देते कि भगवत गीता भी जीसस लिखा ऐसा बोल देते चाहिए तो मिशनरीज। तो हमको भी अपने हाँ ब्लॉग्स, अपने आर्टिकल्स, वीडियोस आपको क्रिएट करना चालू करना चाहिए कि कभी ऐसा उल्टा हाँ बात सुना तो उसके रिप्लाई में एक छोटा सा वीडियो बना दो कि भगवत गीता जो भी हाँ क्रिश्चियन मिशनरी या कोई भी कहता है कि जीसस ने लिखा, उसको आके बोलो कि झूठा है पूरा, भगवत गीता हमारे संस्कृति में कम से कम 20,000 साल से भी ज्यादा वो से है। ऐसा करके बोलते कि ये दोनों भगवान एक है और इजी हो जाता है उन लोगों के लिए जो लो IQ वाले लोग होते हैं ना वो आज जल्दी मान जाते हैं वो सभी वेरीफाई नहीं करते करके हाँ कन्वर्ट हो जाते हैं। और यदि बहुत एक ज्यादा ही ब्रेन वॉश है, कर लेते। यदि एक हाँ ही महोदय। है तो फिर भी कन्वर्ट करने की जरूरत क्या है। कोई भी दुनिया में जो हाँ कन्वर्ट महोदय करने के लिए कहता है वो वही तो सबसे आरएसएस बड़ा मूर्ख है। भगवत जी ने भी करा था। हाँ हाँ यदि तुम्हारा भगवान और हमारा भगवान सेम है, भगवान एक अच्छी ही बात है, आवश्यक कन्वर्ट। हम तो वही कहते हैं कि सर सब पूरा ईश्वर एक ही है, तो फिर कन्वर्ट करने की हाँ करना आवश्यकता क्या है कि तो हमारे जरूरत पास क्या भी है वही है, आपके आपके पास भी वही है फिर पास भी वही है से। ये सारे बिजनेस है क्या हाँ करना तो इतनी सिंपल सी चीज गांव में या किसी को भी बहुत आराम से हम भी समझा सकते हैं, हमको सिर्फ बोलना करना शुरू करना है। हम बोलते नहीं थे अभी तक, है। क्या था, हम बोलते ही नहीं थे, वो लोग जो कर रहे हैं करने हाँ दो अब ऐसे ऐसे थोड़ा सोचते थे। थोड़ा अवेयर हो रहे हैं लोग सोशल मीडिया हाँ की वजह से।
करेक्ट। तो अभी तो ट्रेन में, बस में, कहीं भी कोई मिलता है ऐसे बाहर, उससे भी ऐसी बात यदि होती है तो उसको भी हम लोग सीधे ये सब भी बताते हैं कि कोई भी यदि हाँ कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है तो सबसे पहले तो वो कमजोर है, क्योंकि उसको कन्वर्ट करने की हाँ जरूरत क्यों पड़ रही है। हाँ महादेव दूसरी चीज कि आपका जो भी आप मानते हो, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, जो भी हो, आप अपने आप में शक्तिशाली हो, मन से जो भी मानते हो ठीक है, आपको दूसरे और किसी को हम के हमारे टीम में लाना मंगवाने है इसकी की जरूरत जरूरत क्या है। नहीं है। हाँ वो तो ऐसा ही हम भी समझे थे महादेव हिंदू अपन पहले। समझाएंगे, जब भी कोई ऐसा मिलता हाँ है हम समझाते हैं। महोदय ठीक होगा है होगा, सब महोदय। अच्छा होगा। अभी हम लोग की टीम बढ़ने लगी है, तो ऐसे और भी बहुत सारे ग्रुप्स डेवलप हो रहे हैं अभी धीरे धीरे, तो अच्छी महोदय बात है। ये साउथ इंडिया में थोड़ा कम है ऐसा ऐसा भी। तो आप कनेक्ट करते जाओ, क्या मुश्किल है, हमको ही करना है और कौन करेगा। हाँ महादेव इसीलिए बी द चेंज है ना, कि जो चेंज हमको देखना है, हमको पहले तो हमको ही करना पड़ेगा, कोई हाँ और महादेव क्या का चेंज करे उसका वेट क्या करना है। करें। हाँ महादेव वही चल देख रहा हूँ टाइम के लिए वेटिंग। अच्छा है। नहीं, मुझे दिखता है कि आप काफी एक्टिव हैं और अभी पढ़ाई भी कर रहे हैं और ये देश के लिए भी बहुत एक्टिव हैं, तो अच्छा है। आप, आपके बहुत सारे कॉलेज में, स्कूल में दोस्त होते ही हैं, तो हाँ उनके महादेव पास सही मैसेज, सही संदेश आप पहुंचाते रहिए, अच्छी बात है। हाँ महादेव वहां से भी दो चार लोग भी जुड़ेंगे आपके साथ तो बड़ी बात हाँ है। महादेव मैं भी वो वीडियो एडिटिंग करके वीडियोस भी डालना चाहता था यूट्यूब में, टाइम नहीं मिल रहा अच्छा इसलिए। अच्छा नहीं तो ठीक है, जो जितना टाइम मिल रहा है उसमें क्या कर सकते हैं वो तो आप हाँ डिसाइड कर सकते हैं। और जैसे अभी संस्कृत सीख रहे हैं, फिर आपका हाँ महादेव गीता गीता की क्लासेस भी चालू हैं, तो हाँ थोड़ा थोड़ा महादेव तो आपने चालू कर दिया है, अच्छी बात है। इसी तरह से तो एक एक बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। यही बात वो शुभम जी ने बोला था कल चैट में। जैसे उन लोगों शुभम ने या हमारे देश के विरोधियों ने बूंद बूंद करके ही देश को खोखला करना कोशिश हाँ हाँ कोशिश किया महादेव है, इतना अब भी कर ज्यादा रहे हैं हम छुपके कर भी। रहे हैं कि पता भी नहीं चलता लोगों को, तो अब अब डायरेक्टली बोल हमको रहे हैं वैसे ही महोदय चालू क्या करना होगा। वो इस्लामी है ना, वो बोल रहे कि हमें देश से पहला इस्लाम है, इस्लाम के बाद ही देश है ऐसा बोल रहे हाँ, तो उनका तो वैसे ही फंडामेंटल है बहुत सारे लोगों का, तो जिसके लिए भी हैं। देश पहले नहीं है वो, उसको देश में रहने की जरूरत नहीं है, जाओ तुम अपने हाँ इस्लामिक जरूरत देश में। नहीं है हाँ, हमको तुम हमेशा वही कहते जिसके लिए भी देश इम्पोर्टेंट नहीं है उसकी देश को कोई जरूरत नहीं, निकल जाओ, निकल जाओ पाकिस्तान जहां जाना है पाकिस्तान जाओ, चाहे को। जहां जाओ, 57 देश हैं जहां पे इस्लाम चलता है, जाओ, जहां जाके मरना है मरो, वहां पे तुमको भारत जैसी आजादी यदि मिल जाए, देश भारत, तो इस्लाम बैन कर दिया हमारे, मुस्लिम्स को हाँ, लाना ही नहीं देते कहीं उनको। भी बाहर ये लोग गए और इनको भारत के जैसी स्वतंत्रता यदि मिल गई तो हाँ महोदय वो ऐसा ही हो ही करेंगे। नहीं सकता, कोई भी बाहर का हाँ इस्लामी महोदय देश में इतनी स्वतंत्रता है ही नहीं, वो इतना देते ही नहीं। स्वतंत्र नहीं, इसीलिए वो ज्यादा उछल रहे हैं और महोदय। यहाँ उछलने का फिर मतलब क्या है, तुम्हारे इस्लामी देशों हाँ में तो तुमको कुछ करने के लिए मिलता ही नहीं तो यहाँ पे हल्ला मचा रहे हो, अभी सबको चुप करा देंगे। हाँ महोदय वही कर रहे हैं ना वो अमित शाह जो है, हाँ उनकी अच्छी प्लानिंग हाँ चलती है, वो बहुत लॉन्ग टर्म, बहुत लंबी लंबी प्लानिंग्स करते हैं, उनको एक एक दिन में क्या हो रहा है उससे हाँ बहुत ये ज्यादा फर्क नहीं पड़ता वक्त में तो वो एक ही समझ लिया पूरा संसद को। हाँ ना। 370A और वो सी CAA सब बहुत मेजर, पूरे इंटरनेशनल लेवल के डिसीजंस हैं जो उनने एक बार ले लिया, अभी ठीक है हल्ला मचाते रहो, ये तो होगा, दिस इज गोइंग टू हैपन। तो और अब इन भी लोगों मतलब को वो ये जो मुल्ले हैं
जो भी विरोधी बोल रहे हैं, देश विरोधी, देखो अच्छे लोग हाँ भी हाँ होते हैं, अच्छे लोग होते हैं होते तो होते ठीक है आराम से रहो, लेकिन हल्ला लो मचाना है तो तुमको अब कुछ करने नहीं मिलेगा। निकल जाना। ये कान सर के बारे में पता है ना? यूट्यूब में लेक्चर्स देता रहता है। हाँ वो बड़ी आदमी है, वो देखो जरा वो कितना अच्छे से सब बताते हैं, बिहार का खान हाँ सर वही करते बोले हैं, ना, जीएस पर खान। वो भी ऐसा दिखाते हैं। हाँ जीएस खान, जीएस उसमें आईएएस इंफॉर्मेटिव है के वीडियोस। हाँ फिर भी वो थोड़ा, उनका भी कुछ है क्या गड़बड़? हाँ है वो क्या, रेड फोर्ट का थोड़ा हिस्सा होना, रेड फोर्ट में वही हाँ फ्लैग, इंडियन फ्लैग हो गया ना। तब तो मुझे तो कपिल जी ने बोल रहे थे ऐसा कि अच्छा वो, हाँ वो थोड़ा सपोर्ट कर रहे थे ऐसा बोल रहा था कपिल जी ने। अच्छा देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा ऐसा कुछ हुआ है क्या, यदि ऐसा कुछ है तो आप वीडियो या कुछ है तो उसको भेजो, हम या एनालाइज कर लेंगे, मतलब देख लेंगे उसको भी। और हाँ महोदय। चलिए ये श्लोक आपने लिखा या अभी लिखना बचा है? हाँ लिख दिया था तब डिस्कशन। उत्तम, तो अभी हम आगे चलते हैं। ये शायद आपने नहीं देखा है पहले, तो ये मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ कौन सा, ये आपने देखा था क्या, अश्वह आम्रम इष्टिका? नहीं, ये थोड़ा मैं स्टार्टिंग में नहीं आया था, मैं थोड़ा लेट आया ना। ठीक है, तो अभी मैं पहले आपका परिचय दो तीन वैसी चीजों से करवाता हूँ जिनका आपको पहले से पता होगा, ठीक है, हाँ तो आपको ध्यान आने में आसानी होगी। आपने ये सुना है हाँ कि तत्त्वमसि? तत्वमसि, तत् का मतलब दैट, हाँ वह हाउ इज या वो, दैट? हाँ महोदय, तत् तत् ए तत् ए थोड़ा पता इतना है बस। हाँ एक मिनट इसको मसी मुझे थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ मैं, क्योंकि तत्वत, बीच में जगह छोड़नी है। तत् हाँ महोदय त्वम तो असि, असी, तो तुम असी मतलब मतलब वो वो तुम ही हो तुम ही हो। या वो ओके भी दैट तुम हो। इज हाँ वह यू, तुम हो, दैट इज यू। यू वह तुम हो, तत्वमसि। ओके अब इसका संबंध कहाँ पे है? तत्त्वमसि असल में थोड़ा सा अधूरा है, ये आपने कहीं ना कहीं लिखा या पढ़ा अवश्य होगा, पर इसके साथ एक और वाक्यांश हो जाता है और तब उसका अर्थ अच्छे से समझ में आता है। अहम, और यहाँ पे हमको वो अनुस्वार वाला नियम भी लगाना होगा, तो अहम और आगे ब से चालू होता है तो इसलिए अनुस्वार लगेगा, तो अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्मास्मि, ब्रह्मास्मि, तो मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, तो अस्मि जो है हम मैं के लिए बोलते हैं, मैं हूं, तो अहम अस्मि, अहम अस्मि, अहम अस्मि मतलब मैं हूं, ब्रह्मास्मि आई मतलब मैं एम, भगवान हूँ। आई भगवान नहीं एम, आई ब्रह्म, एम ब्रह्म। हम कहते हैं ना कि हम ब्रह्म का अंश हैं, क्योंकि ओके ओके हर ओके कोई जो है वो एक निर्गुण निराकार ब्रह्म से ही बना है,
हम चाहे मैं हूँ, ओके आप हैं, आसपास की प्रकृति है, सब कुछ ब्रह्म का एक अंश है। ब्रह्म हाँ महोदय जो है क्रिएटर जिसको हम कहते हैं, हाँ महोदय जो सृष्टा है, इस सृष्टि का सृष्टि सृष्टि करता। सृष्टिकर्ता ठीक है, तो मैं सृष्टि कर्ता का ही अंश हूँ। एक मिनट, ओके क्या हो रहा है? सृष्टिकर्ता सृष्टि करता। सृष्टि क्रिएटर। कर्ता क्रिएटर तो मैं ब्रह्म हूं, तुम भी वही हो, ओके तुम भी वही हो। तो अब अगले वाक्य में वही बोल रहे हैं कि तत्त्वमसि, वही तुम हो। तो मैं भी ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो। ओके तत् तो अब उसका अर्थ पूरा समझ में आता है। वह त्वम असि हो असि का मतलब हो हो। हाँ, तो महोदय आपने अस्ति तो सुना है। हाँ अस्थि का मतलब इज हाँ, तो अस्ति जो है इज, ये है प्रथम पुरुष। ओके अस्थि अस्थि प्रथम थर्ड पर्सन अस्थि रामः अस्ति, बालकः अस्ति, बालिका अस्ति, सूर्यः अस्ति, वृक्षः अस्ति। ठीक है, ये प्रथम पुरुष है जब हम किसी और चीज के बारे में बात कर रहे हैं। अस्मि उसी का रूप है, और अस्मि ये इस उत्तम पुरुष है। ओके हाँ मैं मेरा हाँ मैं हूं, एम। अस्मि अस्मि तो जब मुझे ये बोलना है कि मैं हूं, आई एम, तो अहम अस्मि, अहम अस्मि इसलिए अहम ब्रह्मास्मि है वो। हाँ महादेव ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि में अस्मि इसलिए लगता है क्योंकि अस्मि मतलब मैं हूँ, उत्तम पुरुष। दिस इज ए फर्स्ट पर्सन जिसको इंग्लिश में कहते हैं लोग, हाँ और उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, ये हिंदी और संस्कृत दोनों में बराबर है, दोनों में वही कहते हैं। और इसी को जब हम त्वम पे ले आते हैं, तुम क्या हो, तुम हो, तुम नहीं हो, ऐसे बोलना है, त्वम मसी। तो ये जो तत्व मसी है, ये हो है, तुम हो, यू आर। तत्त्वम् अस्ति यू आर ओके अस्सी ये मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष सेकेंड पुरुष पर्सन जिसको कहते अस्सी हैं। तत्त्वम् अस्सी तत्त्वम् अस्सी ठीक है, तो ये अभी वो एंड आप के लिए क्या यूज करते हैं महोदय एंड एंड के लिए च, अच्छा जैसे अहम, फलम, अच्छा अहम फलम भोजनम। अभी आपको वो अनुस्वार वाला भोजन नियम भी याद है। हम अनुस्वार क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हाँ अगला शब्द व्यंजन से चालू होता है। तो व्यंजन अहम फलम भोजनम च अब इधर हम अहम खादामि। लिखते हैं ना अहम एक मिनट, अहम हाँ एक मिनट, उसको भी बदलना पड़ेगा, रुको। अहम अच्छा का भी बदलना पड़ेगा क्योंकि आगे फलम है, तो हाँ फ जो है वो व्यंजन है, तो अहम ये अनुस्वार वाला होगा। हमारे भोजनम च खादामि तो मैं फल और भोजन खादामि खा रहा हूं। तो अब च जो है अच्छा
संस्कृत में ऐसा होता है कि जहां पे उपयोग होना है उसके एक शब्द के बाद में लगता है। महोदय, तो बोलने के समय आप फलम, मैं फल और भोजन खा रहा हूं, तो और यहाँ पे हम बोलेंगे, लेकिन च जो है उसके एक शब्द के बाद में लगता है। ओके, अस्त अस्त तो फलम भोजनम च, यदि आप तो तीन चीजें दो बोल रहे चीजों हो, को पहले बोल के छा बोलना पड़ेगा, कितने भी फलम कितने भी बोल के भोजनम छा। मिष्ठान्नम ओके और भी कुछ हो, मिष्ठा जैसे मिष्ठान्नम, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि हाँ हम फलम हाँ महोदय, भोजनम, और सबसे और आखिरी वाला। आसान हो जाएगा। हाँ, तो तीन हो, चार हो, पांच हो, कितने भी हो, पांचो एक इच्छा च जो है आखिरी में आ जाएगा, आ जाएगा। च ओके, मस्त खादामी। महोदय। अभी इंग्लिश में तो सब एंड 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 डाल के जाना पड़ेगा, नहीं तो हाँ, कॉमा डालते इंग्लिश में ज्यादा, नॉर्मली कॉमा लगाते हैं और कॉमा लास्ट में लगाते एंड लगाते हैं, एंड तो लगाते हैं। यहाँ थोड़ा हाँ आसान और भी ज्यादा सरल है। इसमें आप हाँ सीधे जो भी लिस्ट है वो पूरी लिख दीजिए और अंत में उस वो लिस्ट के बाद अच्छा में च लगा दीजिए, हाँ और महोदय, खादामी या भक्षामी दोनों एक ही बात है। खादामी मैं खाता और हूँ, भक्षण, और भक्ष भी खाने के भक्षामी, लिए होता है, खादामी भी खाने के लिए होता है। भक्षामी महोदय। तो और या एंड के लिए हम च लगाते हैं। एक और शब्द है, आपने सुना होगा शायद, एवं। एवं महोदय, सुना हाँ, संस्कृत में। तो एवं का भी उपयोग हो सकता है, पर एवं का उपयोग ऐसे समय के जगह पे तब ज्यादा नहीं, उपयोगी होता है जब दो वाक्यों को जोड़ना है। जैसे ओके हम फलम महोदय, खादामि एवं अहम विद्यालयम गच्छामि, तो अब मैं फल खाता हूँ और फिर और मैं विद्यालय जाता हूँ, तो अब दो वाक्य जब जोड़ने हैं तब एवं ज्यादा उपयोगी है। use it for combining sentences। हाँ महोदय, वाक्य संधि के लिए एवं ज्यादा उपयोगी है। वाक्य संधि, वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं ना अंग्रेजी में। हाँ महोदय, पार्ट्स ऑफ स्पीच, कंपाउंड सेंटेंस। हाँ, पर एक मुझे सहायता चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी बाकी हफ्ता चल रहा है ना, जैसे मंडे ट्यूसडे फ्राइडे तक, हाँ तो उसके बीच में महोदय, हमारे ग्रुप में जो लोग हैं उनका फोन नंबर देख के आप उनको एक बार ऐसे रैंडमली कभी भी कॉल कर लीजिए कि क्लास में आना है, बहुत ओके, मजा आ रहा है, सब लोग आएंगे, तो क्योंकि जितने लोग आएंगे उतना अच्छे से सीखेंगे सब, हाँ तो आप महोदय, कभी भी कॉल कर लिया कीजिए, कर सकते हैं। मैं भी करता हम हूँ, मैं भी कोशिश करता हूँ, कभी मेरे फोन उठा लेते हैं, कभी आपके फोन उठा लेंगे, ऐसे हम थोड़ा मिल के उनको मोटिवेट करेंगे तो आएंगे लोग। हाँ महोदय, या महोदय, डेफिनेटली विल तो डू दैट। ग्रुप में आपको जो भी 10-11 नाम है आपको दिखते हैं तो इसको मैसेज कर सकते हैं, फोन कर, जो भी आपको हाँ, ठीक बहुत लगता ज्यादा है। लोग हैं। हाँ, हमारा दूसरा जो संस्कृत का ग्रुप है उसमें तो ऑलमोस्ट 35-40 लोग हैं, जो बैच वन है। उसमें कितना कितना लोग आते हैं? बैच वन में अभी चार लोग रेगुलरली आ जाते हैं, चार पांच। हाँ, वही शुभम भैया सभी है ना, शुभम, हाँ, शुभम जी, मोना नवीन जी, भैया जी, नवीन जी, गीता जी भी आती थी, अभी उनके यहाँ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, शायद कल से वो भी आएंगी, गीता जी। हाँ हाँ तो ये चार, फिर आप भी आ रहे हैं तो पांच हो जाएंगे, और एक संजीव जी थे, वो भी पहले बहुत फ्रिक्वेंटली आते थे, अभी उनके ऑफिस में पता नहीं कुछ हो रहा है तो वो भी नहीं आ रहे। तो ऐसे हम बीच बीच में मैसेज करके या फोन करके बात कर लें ना, तो उनको थोड़ा मोटिवेशन आएगा कि चलो
वीक में एक बार ही तो आना है, 1 घंटे के लिए, तो क्लास में आना चाहिए सबको। क्या करेंगे। ठीक है, और इसलिए भी मैंने मतलब मैं किसी से दक्षिणा के लिए बोलता नहीं हूँ, पर ये भी एक कारण है कि थोड़ा सा दक्षिण फीस जो है वो लेनी चाहिए, क्योंकि उससे लोगों का थोड़ा कमिटमेंट आ जाता है। हाँ महावे जाना है ऐसा। हाँ महावे जैसे इवन जिम विम के लिए भी तो यही बोलते हैं ना लोग कि आप पैसे दे रहे हैं इस जिम के मेंबरशिप के लिए, तो फिर इसलिए ध्यान रहेगा कि आना है जाना है। आना है जाना है। हाँ महावे यदि कमिटमेंट में प्रॉब्लम हो रही है उसको, जिसको कमिटमेंट में ओके प्रॉब्लम नहीं है उसको पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके महावे जैसे मैं हर दिन योग करता हूँ, तो अब योग करने के लिए मुझे अब किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं अपने हाँ कमिटमेंट से अपने हिसाब अपने अनुसार कर लेता हूँ, महोदय। फोर्स करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ वही अब गवर्नमेंट स्कूल्स में चल रहा है ना, जैसा फीस नहीं हाँ देते इसीलिए थोड़ा डिसिप्लिन कम रहता है। हाँ क्योंकि थोड़ा भी फीस होगा तो थोड़ा तो होना ही चाहिए, कम से कम 500 रुपीज पर ईयर या 100 रुपीज पर मंथ इतना होगा, तब उनको हाँ। उसकी वैल्यू भी लगेगी। वैल्यू भी पता होगा। हाँ हाँ ठीक है, तो आपको एंड का उपयोग थोड़ा समझ में आ गया। समझ आ गया। हाँ अभी महावे हम आगे चलते हैं, जो मैं आपको उस समय दिखाने की कोशिश कर रहा था। हाँ, हाँ महावे तो अश्व अश्व को हॉर्स धावती वा अश्वहा धावती था क्या था है धावती धावती, तो धावती धाव जो है धावती रनिंग के लिए उपयोग होता है, दौड़ना। अश्वहा तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, अश्व धावती वा अरुण महोदय? अश्व आ अस्त हाँ आम महोदय आम कुत्र अश्व कुत्र धावती? मतलब अश्व दौड़ता है क्या, इसका मतलब हाँ वही है ना। हाँ ये वाला अश्व दौड़ रहा है क्या, ये जो इधर दिख रहा है? नहीं हाँ, तो आप बोलेंगे न अश्व धावती न, ना अस्त महोदय तो आम की जगह अश्व धावती न। फिर ना। आगे अवश्य बोल हाँ सकते हैं कि बालकः धावती, ये जो आगे दौड़ लड़का बना हुआ है वो दौड़ रहा दौड़ रहे। हाँ महादेव है ना, वो इसलिए बनाया है ताकि आप एक में नेगेटिव नकारात्मक उत्तर दे सके, दूसरा जो है सकारात्मक हो जाएगा, तो दोनों सकार। का उपयोग भी समझ में आएगा। चलिए हाँ अभी मैं फिर से पूछता हूँ, अश्व धावती वा अरुण महोदय? ना 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 माधव महोदय ना दावती ना दावती ना वही अश्व ऐसा भी कह सकते हैं ना कैसे भी बोल सकते अश्वा हैं। ना दावती। हाँ, अश्व न धावती या न धावती ओके अश्व या धावती न अश्व, सब एक ही बात है। संस्कृत में आप कुछ महोदय भी कहीं पे भी रखेंगे तो उसका अर्थ वही रहता है। स्पोकन संस्कृत का एक वेबसाइट है वही नेट में हाँ है। सर्च किया तो ये एक वर्ड के लिए बहुत सारे ट्रांसलेटेड वर्ड दिखाता है वो वो सब का संस्कृत तब में। लाभ है जब आपको जैसे शब्दकोश की तरह अर्थ ढूंढना है या कहीं से वेरी कंफर्म करना है, क्योंकि कई जगहों पे हमने ये भी देखा है कि कुछ कुछ गलत भी लिखा है, मतलब तो इसलिए 2-3 जगह से उसको मिलाना आवश्यक है। तो जैसे आपने यदि संस्कृत भारती के किसी पुस्तक में देखा कुछ, तो वो पक्का है कि वो सही है, ओके लेकिन इंटरनेट पे देखा तो उसको किसी और से बात करके या किसी पुस्तक में यदि मिलता है डाला तो होगा। वैसे उधर से कंफर्म करना आवश्यक है।
यदि ऐसे जनरल इंटरनेट पे कुछ दिख रहा है। तो इसलिए ये कक्षा या इवन संस्कृत भारती का जो कांटेक्ट है वो साथ में रहना चाहिए, उनमें कॉल करके भी पूछ सकते हैं कभी कोई आपको यदि दुविधा है तो। संस्कृत भारती के जो फोन नंबर्स हैं आप उन पे यदि फोन करेंगे उनसे भी आपकी दुविधा पूछ सकते हैं कि हम इसके लिए कैसे उपयोग करते हैं या ये कैसे। वो अवेलेबल होते हैं क्या फ्री में? मतलब टाइम होता है क्या? वो बहुत अच्छे लोग हैं और पूरे देश में बहुत सारे ऑफिस हैं उनके, तो आप यदि फोन लगाएंगे और कोई फोन उठाता है तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि मैं संस्कृत का आपसे कुछ डाउट पूछ सकता हूँ क्या, तो कोई ना कोई वो बता देंगे कि हाँ आप इसको फोन लगाइए या वो करते हैं। अच्छा काम कर रहा है क्योंकि उनके लिए भी वही है ना, उनकी विद्या आवश्यक है, विद्या ज्यादा आवश्यक है, पैसा लेना है उसके लिए वैसा कुछ वो आवश्यक नहीं है। मतलब खाली मतलब फ्री टाइम होगा उनके लिए ऐसा मैं पूछ रहा था। फ्री टाइम तो अब वो डिपेंड करता है, वो लोग भी तो अपने ऑफिस में ही रहते हैं ना। संस्कृत भारती एक पूरा कंपनी है, कंपनी उनकी क्लासेस चलती है, उनका पूरा बहुत सारे ऑनलाइन सिस्टम्स हैं, तो उनका भी कोई ना कोई जॉब तो है ही। और यदि फोन पे मिल गए तो वो एक दो मिनट के लिए तो आपके प्रश्न का उत्तर दे ही सकते हैं। महारे आप क्या काम करते हैं? मैं ट्रेनिंग्स करवाता हूँ, मेन काम तो संस्कृत और योग का शिक्षण ही है, और मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी करवाता हूँ, तो कभी कभी कोई कंपनी में कुछ ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है तो मैं उनको भी करवाता हूँ। तो मेरे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे ओरेकल के काफी एडवांस्ड सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाता हूँ, फिर क्लाउड आर्किटेक्चर। हाँ, ओरेकल वो जावा का है ना? ओरेकल उल्टा जावा ओरेकल का है, जावा को ओरेकल ने खरीद लिया है कुछ समय पहले। ओरेकल तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है तो ठीक है बात है। तो एतत अमरम ऐसा हाँ बोलिए। आप क्या काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? भवान किम करोती, किम करोती तो भवान मतलब हमने आप के लिए बोला कि आप किम मतलब क्या, जैसे क्या अभी हमने बोला था ना कि भवतः नाम किम, तो भवतः नाम किम। अंकुश मेरी बॉटल उधर है क्या, देखना। अंकुश मेरी बॉटल उधर है तो देखना। हाँ हम क्या बोल रहे थे, किम वही काम भवतः किम करोति। हाँ तो जैसे अभी हमने बोला था ना भवतः नाम किम, तो किम का उपयोग क्या के लिए होता है कि आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, क्या क्या कर रहे हैं आप, क्या तो वैसे ही आप क्या करते हैं के लिए भवान किम करोति। आप क्या करते हैं या आप क्या कर रहे हैं, दोनों उससे ही हो जाता है। सबके लिए एक ही, हाँ अभी के लिए सबके लिए एक ही है, बाद में हम जब थोड़ा एडवांस, हाँ जब हम थोड़ी उच्च संस्कृत सीखने लगेंगे, एक दो मेरे ख्याल से एक दो वर्ष लगेंगे उसमें, तब फिर मैं आपको वो चीजें भी सिखाऊंगा जिसमें कि ये समझ में आएगा कि अभी जो चल रहा है बिल्कुल अभी आप क्या कर रहे हैं, उसके लिए थोड़ा सा हम बदल के भी पूछ सकते हैं। पर करोती अभी के लिए बहुत है, भवान किम करोती मतलब आप क्या करते हैं। भवान कुत्र वसति, भवान कुत्र वसति अरुण महोदय।
अहम आंध्र प्रदेश राज्य पंगनूर नगरे वसति वसामि 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 सॉरी महान चंसोहन आम अस्तु तो एतत् आम्रम किम वर्णः तत् आम्रम कलर ने वाला ये लिखा है यहाँ पे ओके पीतवर्णम अस्ति हाँ तो एतत् देखो तत् मतलब वो और एतत् मतलब ये तो जो भी चीजें हमारे हाथ के डिस्टेंस के अंदर है जिसको भी हम आराम से टच कर सकते हैं एक ही जगह पे बैठे बैठे उसको हम ये कहते हैं तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि ये मेरे स्क्रीन के ऊपर है तो मेरे लिए वो एक हाथ से मैं टच कर सकता हूँ ठीक है ओके ओके इसका मतलब मैं भी एक तक तो आप अपने अनुसार कर सकते हैं जैसे आपसे दूर है मान लो तो मैंने पूछा एतत् आम्रम किम वर्णम तो आप फिर भी आपके डिस्टेंस के हिसाब से उसका उत्तर दे सकते हैं आपके लिए यदि वो दूर है तो आप बोलेंगे तत् आम्रम पीत वर्णम लेकिन आपके लिए पास में है तो फिर तत् नहीं बोलेंगे तब एतत् बोलेंगे ठीक है ये समझा अरुण जी अरुण महोदय आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे मेरी आवाज आपको जा रही है क्या अरुण जी आपको मेरी आवाज आ रही है शायद वीडियो बंद करने से कुछ हो आपको मेरी आवाज आ रही है क्या अरुण जी आपकी आवाज आनी बंद हो गई चमस्ते महोदय सॉरी ओ थोड़ा हमारा वो मुर्गी होता है ना मुर्गी आपका आवाज आनी बंद हो गई थी हाँ नहीं वो मुर्गी मुर्गी को कुत्ता है ना उसका बच्चे है थोड़ा मुर्गी के बच्चे हैं उसको कुत्ता आ गया था पकने के लिए इसीलिए वो ज्यादा शोर कर रहा था क्या आगे देखने का उसे भगाने की चमस महोदय ठीक है तो हाँ महोदय एतत् आम्रम पीत वर्णम ये आप समझ गया ना हाँ समझ गया कब एतत् का उपयोग करना है और कब तत् का उपयोग करना है तब तत् का हाँ महोदय अन्यम अन्य प्रश्न पृच्छामि एतत् आम्रम हरितवर्णम वा आम तत् आम्रम हरितवर्णम वा एतत् ना ना महोदय तत् आम्रम ना हरितवर्णम अस्ति हाँ ना हरितवर्णम अस्ति ऐसा भी बोल सकते हैं ना हाँ आप ये भी बोल सकते हैं कि हरित वर्णम न अस्ति या न हरित वर्णम अस्ति या फिर आप सही जो है वो भी बोल सकते हैं कि न एतत् आम्रम पीत वर्णम तो आपने करेक्ट इन्फॉर्मेशन भी दे दी वो भी चलेगा हाँ महोदय ओके अस्तु महोदय ब्रिक स्टिका सा इष्टिका पश्यसि वा पश्यसि वा न न पश्यसि न पश्यति ओके अस्तु ईसा कहने में न पश्यति कहना है ना महोदय हाँ न पश्यति चलेगा क्योंकि यदि मैं पूछ रहा हूँ कि वो इष्टिका देख रही है क्या ठीक है तो वो नहीं देख रही लेकिन अब मैं पूछता हूँ भवान इष्टिका पश्यति वा भवान न पश्यति तो अब मैं पूछ रहा हूँ कि आप इष्टिका को देख रहे हैं क्या ना पश्यामि ना पश्यामि ना पश्यामि आप इष्टिका को नहीं देख रहे आप तो देख रहे हैं ना नहीं नहीं देख रहा ये तो सामने ही है ना आप तो देख रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि आम पश्यामि
ये लिखा है ना, ऐसा बोल सकते हैं, आम अहम इष्टिका वस्यामि। एक्सक्यूज मी महोदय, क्षमा करना जी। फिर से मुर्गी आ गई क्या? हाँ वही मुर्गी का मेरा पापा पूछ रहे था क्या हो गया। सॉरी क्षमा करना महोदय। ठीक है, हाँ महोदय तो तो आप फिर उसका उत्तर ऐसा भी दे सकते हैं, आम अहम इष्टिकां पश्यामि। आम हाँ हम आम मैं, मीन्स एस हाँ, आया इष्टिकाम पश्चामि। ओके तो मैं अहम इष्टिका को देख रहा इष्टिकाम हूं। इष्टिका इष्टिकाम पश्यामि। हाँ महोदय सीइंग, सी सी पश्य जो है देखने के लिए होता है, सी। पश्चात सी पश्चात सी पश्चाम। ओके हाँ महोदय अस्तु, पश्चाम इदानीं कक्षा समाप्तं करोमि, श्वः पुनर्मिलामः। श्वः आम महोदय धन्यवाद महोदय इदानीं पुनर्मिलामः। कक्षा समाप्तं करोमि, कक्षा शुभदिनः। समाप्त सुनक्तम महोदय। नहीं वो इवनिंग को क्या बस शुभ संध्या। शुभ संध्या। शुभ संध्या महोदय धन्यवाद महोदय धन्यवाद अरुण महोदय।